राजस्थान में कोरोना के 238 नए केस, 38 केस तो सिर्फ राजधानी जयपुर से। कुल मरीजों की संख्या 11,838 तक पहुंची। प्रदेश में एक ही दिन में 6 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना ले चुका है 265 लोगों की जान। बारा में कोरोना के संक्रमण से बुजुर्गों को बचाने के लिए जिला प्रशासन, पीरामल फाउंडेशन और नीति आयोग की मदद से दादा दादी नाना नानी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी में बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है, लिहाजा उन्हें विशेष सावधानी और देखभाल की जरूरत होती है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को फोन के जरिए जागरूक करना और उनका हाल जानकर उन्हें मदद पहुंचाना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 2000 वॉलंटियर्स को ट्रेंड किया गया है। पाली जिले में बुशी की गली में कोरोना के मरीज के मिलने के बाद उस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने पर लोगों ने हंगामा किया। महिलाओं ने भी इसका जमकर विरोध किया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। धौलपुर में एक ही दिन में एक दर्जन कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से जिले में हड़कंप मच गया। कोरोना के 12 मरीजों में से 7 प्रवासी, 1 मेडिकल स्टाफ, 1 पंचायत प्रसार अधिकारी, 1 टीचर और 1 सब्जी वाला शामिल है। 12 नए केस सामने आने के बाद से ही जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 87 तक पहुंच गई है। कोरोना हॉटस्पॉट बनने के बाद भरतपुर में एक धर्मगुरु के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। धर्मगुरु को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। खबर का पता चलते ही उनके हजारों अनुयायी अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज कहीं भी नजर नहीं आई। अजमेर जिले में एक बार फिर से कोरोना वायरस सक्रिय होता नजर आ रहा है। अजमेर शहर के अलग अलग जगहों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी 13 पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 394 तक पहुंच गया। इनमें 339 मरीजों को कोरोना हो चुका है, जबकि 12 लोगों की जान भी जा चुकी है।